Hello friends, welcome back to our channel. That's Sriti by Sarika. आज हम फिर से आ गए हैं adoption की series में. तो ये है question answer part 3. एंड क्वेश्चन आंसर जो अगर आप देख रहे हो रैंडमली, अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो एडॉप्शन की फुल प्रोसीजर मैंने पार्ट टू पार्ट ऐसे पार्ट वाइज एक्सप्लेन की है. फर्स्ट पार्ट है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का, सेकंड पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन का. ऐसे ही सारे पार्ट्स मैंने बनाए हैं. एंड आप है ना प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करोगे तो देखोगे इतने सारे एडॉप्शन के रिगार्डिंग ही वीडियो. तो आप जब मेरे चैनल के लोगो पे जाओगे वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो देखिए इतने सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी. मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें से आप पर्टिकुलरली एडॉप्शन सीरीज के ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो देखिए एडॉप्शन सीरीज में इतने सारे यानी 18 वीडियोस मैंने अब तक डाले हैं. सिर्फ एडॉप्शन के रिगार्डिंग ही वीडियोस है ये. ओके, तो इनमें से आपको जो वीडियो देखना है आप उस पर सिर्फ क्लिक कीजिए, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन आंसर पार्ट. जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है कितने रेफरेंस आते हैं हमें, एंड अगर 3 रेफरेंस आते हैं तो अगर हम किसी एक रेफरेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम थर्ड रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले 2 या जो रिमेनिंग 2 हैं उनका क्या होता है, फिर ये है बेसिकली क्वेश्चन. तो देखिए रेफरल 3 आते हैं ऐसे हमें भी बोला गया था हमारे वक्त पे. तो हमें कैसे बोला था कि 3 रेफरल आएंगे, उनमें से एक मतलब तीनों एट ए टाइम आते हैं आपको मेल पे, तो आपको तीनों में से एट ए टाइम एक ही रेफरल आप अप्रूव कर सकते हो, यानी वो रेफरल आप रिजर्व कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल 3 बेबीज के फोटोज आए हैं, अगर आपने नो चॉइस सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स जेंडर के मिक्स आ सकते हैं. अगर आपका कोई स्पेसिफिक जेंडर सिलेक्टेड है तो स्पेसिफिक जेंडर का ही आपको आएगा रेफरल. ओके, और आप जिस एज क्राइटेरिया में फिट होते हो वही एज क्राइटेरिया परफेक्टली देने की कोशिश करते हैं वो लोग. उन 3 रेफरल्स में से हमें किसी एक रेफरल को रिजर्व करना है तो बाकी के 2 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं. लेकिन हमारे वक्त बोला गया था हमें 3 रेफरल आएंगे लेकिन हमें प्रैक्टिकली आया था सिर्फ 1 रेफरल. तो डिपेंड्स तब कितने रेफरेंस अवेलेबल हैं तो ही आपको एग्जैक्टली आएंगे, अदरवाइज एक ही रेफरल आता है जितना मैंने देखा. क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मिनिमम वेटिंग पीरियड टू गेट रेफरेंस. अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये क्वेश्चन मुझे भी था जब मेरी एडॉप्शन की जर्नी चल रही थी. मुझे भी ऐसे लगता था क्या मतलब पर्टिकुलरली 1 नंबर आना चाहिए वेटिंग लिस्ट से, या शायद बिलो 100 जाना पड़ेगा तब आएगा. लेकिन नहीं, हमारा वेटिंग लिस्ट नंबर शायद 200 या 210, इन 2 नंबर में से कुछ एक था तो तब हमें रेफरल आया था. तो इसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बिलो 100 ही जाना पड़ेगा या आपको 1 to 10 की लिस्ट में ही आना पड़ेगा, ऐसे नहीं है. मेरे आगे 200 पेरेंट्स और थे लेकिन रेफरल मैच नहीं हुआ ना उनसे, या तो उनका एज क्राइटेरिया नहीं होगा या तो उनका फैमिली मैच नहीं हुआ होगा, इसलिए ये रेफरल मुझे आ गया. तो ऐसे होता है. मेरे हिसाब से आई थिंक आप अगर 250 के आगे गए हो, मतलब अगर आप 250 से आगे जा रहे हो तो फिर आप मतलब सीरियसली तैयार हो जाइए, आपको 3 या 4 महीने में तो आता ही है रेफरल. कभी कभी लेट हो जाता है. एक सब्सक्राइबर, उनको मैंने बोला था 1 या 2 महीने में आ जाएगा क्योंकि उनका वेटिंग पीरियड था 110 या 100 कुछ. तो मुझे लगा अभी हमें 200 था और हमें आ गया तो इनको तो आ ही जाएगा, लेकिन उनको नहीं आया, उनको 5 या 6 महीने के बाद आया. ओके, तो ऐसा भी हो सकता है. रेफरल आना इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग और हमारा जो एज क्राइटेरिया है उस एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर बेबीज अवेलेबल होंगे और वो अगर हमारी फैमिलीज को मैच हो रहे होंगे तो हमें रेफरल आ जाता है. तो एज क्राइटेरिया क्या होता है एंड हमारे कौन से एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली बेबी का रेफरल हमें या एज ग्रुप क्या होता है तो वो जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा. ओके, सारे वीडियोस थोड़े से ना अच्छे से ध्यान से देखा करो क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं सारे वीडियोस में इन डिटेल बोलने की कोशिश करती हूँ. आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियोस ध्यान से देखोगे ना आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, थर्ड क्वेश्चन है पुलिस वेरिफिकेशन मीन्स व्हाट. तो एडॉप्शन के जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ऑनलाइन वाले नहीं, HSR एजेंसी को जो हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं यानी कि हार्ड कॉपी, तो उसमें हमको 1 ऑफ द डॉक्यूमेंट हमने तो दिया था, अभी लगता है नहीं लगता आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ये हमेशा लगेगा क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अगर आपने अगर कुछ क्राइम किया है आपके अगेंस्ट, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की हो या कुछ भी, अगर पुलिस कंप्लेंट लॉन्च हो गई है तो
आपको बेबीज आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कुछ जानने के लिए, क्योंकि आप वेरीफाइड मतलब पेरेंट्स हो या नहीं हो, ये जानने के लिए डॉक्यूमेंट्स ही एक जरिया होता है। उसमें आपका कैरेक्टर जो डॉक्यूमेंट शो करता है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आपको पुलिस स्टेशन में पर्सनली जाना होता है। जैसे हमने किया था, मैं आपको वही बोल देती हूँ, ओके। हम सीधा पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ पे जाके हमने सीधा बोल दिया था कि हमें एडॉप्शन की प्रोसीजर करनी है, और उसमें उन लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मांगा है। तो फिर उन्होंने हमको बिठाया और कुछ नॉमिनल क्वेश्चंस थे, आई थिंक आधा घंटा वगैरह लगा। वो बहुत सारा कुछ तो वो फिल कर रहे थे, हमें नहीं दिखाया ना उन्होंने, जो पुलिस थे। तो फिर आधा या पौना घंटा के बाद वो हो गया। फिर वो सीधे हमारे हाथ में नहीं दिया था उन्होंने, फिर वो जो रिपोर्ट थी वो आई थिंक जो हेड ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे जाती है, और फिर हेड ऑफिस से हमें हमारे एड्रेस पे कुरियर होती हो के आती है, ओके। बाय हैंड हमने रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन हमें तो नहीं मिला था, आपकी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, ओके। इस प्रोसेस को हमको कितने दिन लगे थे पुलिस वेरिफिकेशन को, हमें 5 दिन लगे थे, पाँच या छः दिन लगे थे, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था बहुत वक्त लग सकता है इस प्रोसीजर में, तो आपको पहले ये वाला डॉक्यूमेंट क्लियर करा के लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही आपको रिक्वेस्ट रहेगी, आप पुलिस वेरिफिकेशन एंड ब्लड टेस्ट के जो सैंपल्स होते हैं वो पहले दे दीजिए, एंड फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू टैकल द लैंग्वेज बैरियर इफ वी गॉट चाइल्ड फ्रॉम अनदर स्टेट और फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि हमारे केस में भी डिफरेंट थी, हमारी लैंग्वेज मारवाड़ी है, एंड ऑफ कोर्स मारवाड़ी इज नॉट अ कॉमन लैंग्वेज, तो इसको नहीं आती थी पहले, ये बात तो सच है। लेकिन हमने क्या फोकस रखा था कि इसके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना मारवाड़ी में ही बात करती थी, लेकिन फेस से ध्यान में आता है ना कि कंफ्यूज हो रही है, तो डर रही है, डर जाती थी। हालांकि 4 ही महीने की थी, लेकिन उसको समझ में तो आना चाहिए सामने वाला क्या बात कर रहा है। तो फिर तब हम जो लैंग्वेज इसको आती थी उसमें बात करती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ी में ही बात करना प्रेफर करते थे। लैंग्वेज डिफरेंट होगी तो प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते। अगर आपका बेबी बिलो 1 ईयर होगा तो आपको आपकी मदर टंग के अलावा हिंदी या जिस स्टेट से वो आया है, अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो उसका थोड़ा सहारा लेना अच्छी बात है। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो बिल्कुल भी मत डरो, ओके। तो लैंग्वेज बैरियर इतना डरने वाली बात नहीं है। अगर अबोव 2 ईयर, अबोव 4 ईयर का बेबी होगा, अगर बेबी अबोव 2 ईयर या अबोव 4 ईयर का होगा तो डरने की कोई बात नहीं है। आपकी जो मदर टंग है, आपको सिर्फ बेबी के साथ वो अच्छे से बोलना है। जैसे कि अभी स्प्रू स्कूल में जाती है, स्प्रू को इंग्लिश कहाँ पता थी, लेकिन अब स्प्रू अच्छे से इंग्लिश कैप्चर कर रही है। स्प्रू कैन स्पीक एटलीस्ट वेल इन इंग्लिश, इन हिंदी। तो हो जाते बच्चे ना, बच्चों की लैंग्वेज कैप्चरिंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्यू डेज स्टार्टिंग के जो फ्यू डेज होते हैं, 8 डेज या 15 डेज तक दिक्कत आती है, लेकिन हम आराम से उससे डील कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डील होता ही नहीं या डील हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सैलरी स्लिप नहीं है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने होते हैं, एंड ऑफलाइन भी आपको सैलरी का प्रूफ देना होता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, जो रिसिप्ट्स वगैरह होते हैं वो भी आपके पास नहीं है। तो आपके एरिया का जो तलाठी ऑफिस है, तो आपको वहाँ पे जाके आपका एनुअल इनकम प्रूफ निकाल के लेना होगा उनके पास से, ओके। स्टैम्प पेपर पे वो करा के देंगे, तो ये आप सबमिट करा सकते हैं, तो ये सैलरी स्लिप के बजाय चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे इस 1.5-2 महीने में बहुत बारी आया है, एंड सीरियसली मैं ये भूल चुकी हूँ, मैंने ये पहले 2 इसमें लिया ही नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ। रिपीट हो गया होगा तो प्लीज़ इग्नोर, कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम फिर भी अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट प्लीज़ निकाल के ही लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा नहीं हो पाता। तो आप पहले मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नहीं है, मेरी तरफ से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या हुआ, पिछले मंथ ही किसी सब्सक्राइबर को मतलब बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत थी, दिख रहा है जो ध्यान में आ रहा है, वो इतने क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाले जा रहे थे, मैं उनके हर क्वेश्चन को रिप्लाई दे रही हूँ।
कि प्लीज़ आस्क मी इन इंग्लिश या हिंदी। आई नो उनको शायद ये लैंग्वेज आती ही नहीं है, इसलिए वो उन्हीं की मदर टंग में ये क्वेश्चन डाल रहे थे। मैंने गूगल पे जाके भी वो लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने की कोशिश की, मुझसे नहीं हो पाया, मुझे वो लैंग्वेज कौन सी वही पता नहीं चल पाया। तो एटलीस्ट आपकी जो लैंग्वेज है उसका नाम तो डालो आप ब्रैकेट में कि हमारी ये लैंग्वेज है, तो वो तो आप इंग्लिश में डाल ही सकते हो। या आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो लैंग्वेज का जो आपको बोलना है सारा सब कुछ गूगल पे जाके डालो आप एंड ट्रांसलेट इन इंग्लिश, उसके आगे सिर्फ लिख दो, तो वो जो इंग्लिश में आएगा वो आप वहाँ पे डालो या हिंदी में डालो। मराठी भी आती है मुझे, मराठी में भी डाल सकते हो, गुजराती भी मैं समझ लेती हूँ थोड़ी बहुत, आप गुजराती में भी क्वेश्चंस डाल सकते हो। इसके अलावा बंगाली में वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्लियरली गूगल से ट्रांसलेट हो जाते हैं, इसलिए उनके आंसर्स मैं दे देती हूँ। लेकिन होता क्या है, डर भी लगता है ना कि ट्रांसलेट करेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, डोंट नो, आपकी तरफ से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो आप कुछ कुछ और रहे हो और मैंने कुछ और ही बता दिया, तो इसलिए मैं अलग लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर देने में बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि आप क्या पूछ रहे हो वो पता ही नहीं चल पा रहा, मैं अंदाजन नहीं आपको आंसर कर पाती, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो कुछ भी ऐसे अंदाजन नहीं बोल सकती मैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ बहुत 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 बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप खुद क्वेश्चन ना गूगल पे जाके डालो, उसका ट्रांसलेशन निकालो, अच्छे से पेपर पे निकाल के रखो, फिर वो देख देख के आप सिर्फ टाइप करो। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, और मैंने जो आंसर आपको दिया है वो भी आप सेम गूगल पे डाल के ट्रांसलेट करा के लो आपके लैंग्वेज में, बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो जो थे पिछले हफ्ते जो पेरेंट थे उनको आंसर देना मुझे इतना बैड फील हुआ, उनको कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहीं पे तो पैसे दिए थे या कुछ तो हुआ था, लेकिन मैं अंदाजन कैसे बोलूं इन्होंने पैसे दिए और वो अटक गए हैं। पहली बात, हम पैसे दे के रेफरल जल्दी नहीं ला सकते, नहीं होता ये, क्योंकि ये सेंट्रलाइज प्रोसीजर है। एंड और एक रिक्वेस्ट है, मुझे अभी याद आया, और एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे एंड फेसबुक के मैसेंजर पे मत क्वेश्चन डालो यार, प्लीज़ मत डालो। इंस्टाग्राम का मैसेंजर है वो तो मतलब इनबिल्ट ही रहता है, तो इसलिए वो है वहाँ पे। देखो मैं गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन वहाँ पे इनवैलिड मैसेजेस इतने ज़्यादा आते हैं ना कि मैं बहुत क्लियरली इग्नोर करती हूँ वो मैसेजेस को, तो वो नंबर जो होता है वो पड़ा रहता है कि वहाँ पे कितने मैसेजेस आए, मैं नहीं चेक करती क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे जेन्युइन हैं। इंस्टा पे तो बहुत कुछ भी मैसेजेस होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में मैं देखती थी कि मुझे लगता था कि शायद यहीं पे भी आ जाएंगे जेन्युइन क्वेश्चन, अब मैं क्लियरली इग्नोर करती हूँ, लेकिन बीच में बहुत ही ज़्यादा हो गया था नंबर, और फिर तब एक जेन्युइन मैसेज मुझे उनमें से एक मिल गया कि उन लेडीज़ ने 1.5 या 2 महीने पहले एक क्वेश्चन पूछा था। तो मत पूछो वहाँ पे क्वेश्चन, आपको आंसर मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो नहीं हो पाता चेक। इंस्टा पे डेली के 1000 से भी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो मैं नहीं चेक करती, सबको क्या ही हाय हाय करती बैठूँ। फेसबुक मैसेंजर मेरे पास है ही नहीं, ओके, तो मुझे नोटिफिकेशन जब आते हैं तो मुझे अगर लगा ये बहुत ही जेन्युइन है तभी मैं इंस्टॉल करके आंसर्स दे देती हूँ, लेकिन वो भी रेयर है। आई डोंट थिंक कि मैंने सभी के आंसर दिए हैं, वो स्किप भी होते होंगे। आपको आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी, आप ईमेल पे करो ना मुझे, ईमेल आईडी अभी यहाँ पे भी फ्लैश हो रहा होगा। एंड यस, इंस्टाग्राम पे मेरे मोटिवेशनल वीडियोस रहते हैं एंड फनी रील्स रहते हैं, जो कि मुझे उस प्रभु को बनाना बहुत पसंद है, ओके। फेसबुक पे मैं सिर्फ राइटिंग करती हूँ, जो मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखती हूँ मराठी लैंग्वेज में लिखती हूँ मैं, तो अगर आपको मराठी आती है, जब तुम्हारा मराठी है जैसे, तो मैं फेसबुक वरती जेव्हा जेव्हा मला गोष्टीच्या स्वरूपात किंवा काहीतरी स्त्रियांवरती जास्त लिहिते मी, तर ते लिहित असते, खूप सिंपल आहे माझे, मी प्रोफेशनल रायटर वगैरे नाही आहे, पण मला आवडतं लिहायला, ओके। तो मुझे पसंद है इसलिए मैं लिखती हूँ, अगर आपको मराठी आती है या आप रीड करके समझ लोगे तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी बहुत जल्द फेसबुक पे एडॉप्शन के रिगार्डिंग ही एक स्टोरी आने वाली है पार्ट टू पार्ट में, इसीलिए ये पर्पसली आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी के नाम पे मेडिक्लेम या कोई पॉलिसी निकालना, ये रूल होता है क्या, वो सच होता है, और अगर है तो कितने की पॉलिसी में निकालनी पड़ती है। जी हाँ, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, पॉलिसी वगैरह निकालनी पड़ती है, ऐसा मैंने भी सुना है, क्योंकि हमारे पहचान में जो एक एडॉप्शन हुआ है उनको पॉलिसी निकालने के लिए आया था रूल, तो अमाउंट का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आपके इनकम के अकॉर्डिंगली ही वो बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपका इनकम सोर्स इतना ही है तो आपको वो 10 लाख या 20 लाख की बोलेंगे, आई डोंट थिंक ऐसा करते हैं, ओके। वो भी पेरेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, हमारी केस में तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हमें मिला है दोनों एजेंसीज की तरफ से, तो हमें कोई कंपल्शन नहीं था पॉलिसी निकालने का। लेकिन जी हाँ, मैंने अभी एडॉप्शन जर्नी वाले वीडियो में भी बोला है, हमने पॉलिसी निकाल दी स्कूल की बर्थ सर्टिफिकेट आने के बाद, क्विकली निकाल दी थी, क्योंकि पॉलिसी निकालना बच्चों के फ्यूचर के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही होता है ना, तो पॉलिसी निकालना एक अच्छी बात है,
कोई एडॉप्शन एजेंसी फोर्स नहीं करती, पहली बात तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग फोर्स करते, सिर्फ उनका ऐसा ही होता है कि बेबी का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, इसलिए वो पॉलिसीज का कुछ कुछ एजेंसीज बोलती है। हर एजेंसी का अपना अपना रूल होता है, तो उनके हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है मैंने पहले दो वाले वीडियो में भी लिया, लेकिन वो क्वेश्चन अभी भी आ रहा है, इसका मतलब लोगों को अभी भी नहीं पता है। देखो, आपको अगर होम स्टडी की एजेंसी आपकी चेंज करनी होगी, HSR एजेंसी, आपको आपका पर्सनल एड्रेस चेंज करना होगा, आपको मेल आईडी, कुछ भी डिटेल्स अगर आपको चेंज करनी होगी, बेबी का जेंडर, बेबी का एज ग्रुप, इसके अलावा भी बहुत स्टेट चेंज करना होगा, तो आपको कौन सा वीडियो फॉलो करना है उसकी लिंक यहाँ पे देने की मैं कोशिश करूंगी, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो का नाम है हाउ टू चेक वेटिंग लिस्ट नंबर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू कॉन्टैक्ट HSR एजेंसी फॉर होम स्टडी रिपोर्ट। तो अगर अच्छा, इसमें क्या क्या ही बोलूंगी, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। अगर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट हो गया, तो थर्ड पार्ट आपको देखना है, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो जो पार्ट टू पार्ट मैंने अलग अलग दिए हैं, तो होम स्टडी का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, उसके बाद इमीडिएट प्लेसमेंट का वीडियो आप देख लीजिए। होम स्टडी होने के बाद ही आप इमीडिएट प्लेसमेंट का ऑप्शन देख पाते हो। ओके, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होती ही है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, मतलब पांच छह अलग 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 क्वेश्चन आए थे, लेकिन रिगार्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट ही थे, तो बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो वन बाय वन लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेबी का नाम कौन डिसाइड करता है? तो बेबी का नाम हम ही डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स ही। तो वो आप जब बेबी को कस्टडी में लेने जा रहे हो, हमें तो तभी देना पड़ा था, और हमें नहीं पता था कि हमें अभी देना है, क्योंकि हमें तो लगा था पिटीशन फाइल वगैरह जब होगी तभी देना है, लेकिन पिटीशन फाइल उन्होंने क्विकली करा दी थी, तो वो अच्छी बात है, हमारा ही वक्त बच गया था। ओके, तो आपको इसीलिए रेफरल आने के बाद आप अगर डिसाइड करके रखोगे नाम, तो आपको वहां पे जाके नाम देना ही होता है, और बच्चे को हर एजेंसी की तरफ से एक नाम दिया हुआ होता है असल में, तो हमें वही नाम आगे कंटिन्यू करना है या हमें हमारा नाम देना है, ये पे होता है, पेरेंट्स पे होता है, वो एजेंसी वाले कुछ फोर्स नहीं करते। अगर आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा अच्छे से, तो इसीलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ, आप डिसाइड करके जाओ एक नाम, वहां पे जाने के बाद आपको बोलना पड़ता है याद से कि हमें हमारे बेटी का ये नाम रखना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि उसके फादर का नाम क्या लग गया था, तो हमारे ही, मतलब जो बेबी का फादर है वही नाम आ जाता है। ओके, कुछ डरने वाली बातें नहीं है ये। ओके, ये इतने सारे बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, मैं कभी कभी मेल में आंसर देते वक्त बोल देती हूँ कि आपका क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लूंगी और ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर ऐसा किसी का होगा कि मैंने आपको ऐसे बोला है लेकिन आपका क्वेश्चन लेना मुझसे छूट गया, तो प्लीज रिमाइंड मी। ओके, मुझे एक बार वापस मेल कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है लिख लिख के कितना ही बोलूंगी तो अच्छा होता है कि मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लेती हूँ वो क्वेश्चन, तो ज्यादा डिटेल में आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। ओके, तो अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है जिनको मैंने खुद से बोला है, बहुत कम लोगों को मैंने खुद से बोला है कि मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी, तो अगर आपका छूटा है तो प्लीज बोल दो मुझे। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैंने तीन चार लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके हिसाब से वीडियो बनाऊंगी, आपको जो जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, जैसे जो अब्रॉड रहते हैं, इंडियन हैं लेकिन उनको इंडिया से अडॉप्ट करना है, तो उनके लिए बनाना है एक वीडियो, एक रिलेटिव अडॉप्शन के रिगार्डिंग बनाना है। अभी फिलहाल थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही थी, तो अभी रिकवरी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। ओके, इसीलिए वंस अ वीक वीडियो नहीं आ रही थी, अब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी कि वंस अ वीक वीडियो आ जाए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पा रहा था मुझसे मैनेज। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे ईमेल पे पूछ सकते हो, मेरा मेल आईडी है sarikashrestrumal24@gmail.com। ओके, अदरवाइज आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फेसबुक के मैसेंजर पे मत क्वेश्चंस पूछिए, एंड इंस्टा के मैसेंजर्स पे भी मत क्वेश्चंस पूछिए प्लीज़। क्या होता है, आप ही को आंसर्स नहीं मिलेंगे, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एडॉप्शन की जर्नी का वीडियो आ चुका है, तो प्लीज आप वो हमारी एडॉप्शन की जर्नी का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एडॉप्शन के अलावा भी मैंने और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज आप वो भी वीडियोस देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दैट्स इट, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।